नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर के नए और फ्रेश वीडियो में। अभी अभी ताज़ा अपडेट, मोदी सरकार का न्यू ईयर का तोहफा, सेना के जवान 58 साल तक सेवानिवृत्त हो सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं इस बड़ी खबर को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं सेना के जवान 58 साल तक सेवानिवृत्ति हो सकेंगे। नए साल में सेना के जवानों को सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। जो जवान सीधे लड़ाकू भूमिका में नहीं होंगे उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को चरणबद्ध तरीके से 58 साल तक बढ़ाई जा सकती है। युद्धक भूमिकाओं में भी जवानों को 2 साल अतिरिक्त कार्य करने का मौका मिलेगा। अभी ये जवान विभिन्न रैंक पर अधिकतम 42 साल तक की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दोस्तों सेना के उच्च अधिकारियों के सूत्रों ने कहा है कि इस मुद्दे पर पिछले काफ़ी समय से विचार मंथन चल रहा है। इसमें कई मुद्दों पर संवैधानिक सहमति बनी है और सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया आरम्भ की गई है। नए साल में इसके कार्यान्वयन होने की उम्मीद है। नए प्रस्तावों के तहत गैर युद्धक भूमिकाओं के लिए जवानों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जा सकती है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। विभिन्न सेवाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए नई सेवानिवृत्ति की आयु तय की जाएगी। एक और अंग्रेजी न्यूज़पेपर के मुताबिक जवानों की सेवाकाल की आयु को 2 साल और बढ़ाया जा सकता है और इसी को लेकर अंतिम मंजूरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये प्रपोजल भेजा गया है। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इसी को लेकर सेना प्रमुख बिपिन रावत जी की मंजूरी भी मिल चुकी है और इसको अंतिम मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। अगर इस पर सहमति बनती है तो जवानों को 2 साल और सर्विस करने का मौका मिलेगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।